चिकन को अच्छे से मिक्स करके ले। तो गाइस फाइनली हमारी जो चिकन विंडालू है वो रेडी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बना रहे हैं गोवन चिकन विंडालू। तो गाइस, ये चिकन विंडालू जो है ये गोवन एक चिकन करी है जो गोवन लोग जो है अपने तरीके से बनाते हैं। तो चलिए गाइस, आपको आज हम गोवन चिकन विंडालू बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले आज आपको हम पहले इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। चलिए, सबसे पहले लगेगा चिकन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मुझे चिकन स्किन के साथ पसंद है तो मैं स्किन उसकी नहीं निकालता। तो यह है चिकन। फिर हमें लगेंगे टोमेटो, चॉप्ड ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, ब्लैक पेपर, क्लोव्स, इलायची, ड्राई रेड चिलीज, सिनेमन। तो गाइस, ये प्लेट में जो सारी चीज़ें हैं ये सब हमको ग्राइंड करके लेना है ताकि चिकन विंडालू का मसाला तैयार हो जाए। तो चलिए चिकन विंडालू का मसाला तैयार करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट जाने के बाद गाइस, हमें इसमें भी डालना है थोड़ा सा पानी, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, टर्मरिक पाउडर। तो अब ये जो सारी चीजें है गाइस, इसको हमें ग्राइंड करके लेना है। तो ये देखिए गाइस, हमारा जो पेस्ट है बन के रेडी है। तो चलिए अभी आगे की कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, गोवन चिकन विंडालू की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसमें जाएगा कुकिंग ऑयल। चिकन ऐड करें, चिकन को अच्छे से मिक्स करके ले। तो अब गाइस, चिकन विंडालू का जो मसाला हमने बनाया था वो इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके ले। तो ये रहा गाइस, सारी चीज जा चुकी है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, 4 से 5 मिनट इसको कुक होने देते हैं अभी। तो गाइस, हमारा चिकन विंडालू जो है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अब पक चुका है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। मुझे लीड नहीं मिला, तो ये देखिए मैंने कौन सा वाला लीड लगा दिया इस पर। अच्छी तरह से पक चुका है और जो ऑयल भी आप देख रहे हो कैसे है, उसने साइड में छोड़ा हुआ है। तो इतने स्टेज तक जब तक ये ना पहुंच जाए तब तक आपको फ्लेम को बंद नहीं करना है, कुकिंग करते रहना है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए पीसेस भी अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। तो अभी जो है इसमें हमें कोरिएंडर ऐड करना है। कोरिएंडर को ऐड करने के बाद लीड फिर से लगा दे और 1 से 2 मिनट और लो फ्लेम पे कुकिंग करके उसको बंद कर दे। तो गाइस, हमारी जो गोवन चिकन विंडालू है वो रेडी है। तो गोवन कुकिंग और गोवन रेसिपी जो है गाइस, बहुत ही सिंपल होती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ होती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में बना के। तो गाइस, फाइनली हमारी जो चिकन विंडालू है वो रेडी है। तो चलिए इसको आप खाते हैं। आप लोग ज़रूर इसको अपने घरों में बना के ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल द गोवन मुसाफिर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। बाय बाय।